कानून पर किए हस्ताक्षर, 2036 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ आया फ्रांस। म्यांमार में अब सेना सरकार के निशाने पर कलाकार, विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रूस से ट्विटर को राहत, फिलहाल नहीं होगा ब्लॉक, लेकिन अगले महीने तक स्पीड रहेगी कम। जॉर्डन में प्रिंस हमजा ने की किंग अब्दुल्ला को समर्थन की घोषणा, शाही परिवार में विवाद सुलझने के आसार। पीएम मोदी की ढाका यात्रा का विरोध करने वालों पर बरसी शेख हसीना, कहा आग से खेल रहे हैं हिफाजत इलाम के आतंकी। दो महीने बाद चीन में घरेलू संक्रमण के सबसे ज्यादा केस, ब्रिटेन में लक्षण रहित कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए मुहिम। भारत और नेपाल मिलकर करेंगे सीमा पर सर्वे। धारचूला में भारत के दीवार बनवाने पर विवाद। अपनी हिमाकत से पास नहीं आ रहा चीन, एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में गतिरोध जारी। म्यांमार में बड़ी संख्या में हुए अंतिम संस्कार, इनमें शामिल होने वालों पर सेना ने की फायरिंग फेंके ग्रेनेड। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे जेल के एक सीक्रेट यूनिट कैंप 7 को बंद कर दिया। यहां सजा काट रहे कैदियों को क्यूबा में एक अन्य अमेरिकी बेस पर स्थित जेल में भेज दिया गया है। हेलीकॉप्टर को मंगल की सतह पर ड्रॉप किया गया, जल्द भरेगा उड़ान, नासा ने दी जानकारी। H1B वीजा धारकों के वेतन पर बाइडेन प्रशासन ने मांगी राय, लोगों को दिया 60 दिन का समय।
पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अनुच्छेद 370 पर सऊदी अरब ने दिखाया पाक को आईना। मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत। जॉर्डन की शाही परिवार में घमासान, पूर्व राजकुमार घर में नजर बंद, वीडियो जारी कर खुद किया दावा। ईरान में एक इजरायली जासूस और कई अन्य देशों के जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं दी गई। जापान और अमेरिका के बीच ताइवान चीन पर केंद्रित होगी वार्ता। 16 अप्रैल को सुगा बाइडेन की बैठक। अठारह साल से ऊपर के लोगों को भी लगे वैक्सीन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारत के दो दिवसीय दौरे पर रूसी विदेश मंत्री। जयशंकर बोले, दुनिया में हुए बदलाव के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते हुए मजबूत।